हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आफ्टरनून से। और अभी टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं। और आज मौसम बहुत ही, अभी तक 1 बजे तक तो पूरी बारिश थी। अभी भी मौसम पूरा देखो, आप सकते हो पूरा मौसम बादल वादल लगे। कपड़े मेरे सूखे नहीं हैं अभी तक। कल अन्नी का है स्कूल और कपड़े सूखे नहीं हैं अभी तक। क्या री, हाय कर दो, हाय करो, हाय करो, हाय कर दो। हाँ क्या रो, हाय कर दो। मम्मा अनी हाय। किले में एंट ना मेरे यहाँ है ना, मैं स्केयर भी नहीं थी। ओह, यू आर सो ब्रेव। क्या रे, अब हाय करो। हाय। ए मुंह में मटर कंगी थी। अने ये हाय, ऐसे करते हाय, ऐसे हाय फ्रेंड्स नहीं, राधे राधे बोलो सबको। हाय जो राधे राधे सभी को। कैसा आप सभी लोग? मम्मी ने अभी ब्लॉग बना दी, पर अभी हमने बनाया नहीं खत्म। लोग फिर में मम्मी ने मेरे लिए वो लेडी बग फाइंड कर और दिखाओ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी लेडी बग, ये देखो, लुक एट माय लेडी बग। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। एक मिनट, मैं ये कॉम पकड़ो, जैसे मुझे कॉम मुझे दे दो। जिसको हम पहले से गांव में, हम जब छोटे छोटे ना, सबकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी इसको देख के। हमारे वहाँ ना लाल लाल टाइप की होते थे थोड़ा सा। देखो मैं दिखाऊँ दिखा ना, जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, पास फेल करते थे हम इसको। पास फेल करते थे, हाथों में उड़ जाता था ये। आजकल के बच्चे सब पता है, उनको पता है लेडी बग है। हमको अब पता चला है लेडी बग है। और आजकल के बच्चे अभी पता है, हम बोलते थे इसको पास फेल है, पास फेल। और वो लेडी बग मेले है। हाँ, वो अन्नी का लेडी बग है। अन्नी इसको ना थोड़ा सा एयर भी दो, इसको ना ऐसे ऐसे बंद करो, ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे रहने दे। क्यों? इसको ना थोड़ा सा एयर भी, हवा भी जाने दे उसमें, ऐसे तभी वो ना मर ना जाए कहीं। ऐसे कर रहे हैं हम मस्ती किया रहे लोग। वो अन्नी वहाँ ना फिर से लेडी, अपने लेडी बग ढूंढने के लिए। क्या है, चप्पल कहाँ खोल दिए? चप्पल कहाँ खोले? कहाँ है चप्पल? वहाँ कहाँ? लेके आओ चप्पल लेके आओ। हाँ, पहले चप्पल लेके आओ। देख ऐसे नंगे पाँव भाग रही है। तो फ्रेंड्स, आप पहना दिए क्यारा को भी चप्पल पहना दिए, ये सैंडल। और अन्नी को, अन्नी देखो क्या मिल गया। देखो अन्नी को इतना अच्छा, इतना पसंद है लेडी बग। अन्नी ने ना अपने लिए जो ये पॉट बनाया था उसमें भी लेडी बग चिपका रखा है। ये लकड़ी का है, लकड़ी का। तू बोली थी मिल गया, वो है ना। कल अन्नी कन्नी को एक सरप्राइज मिलने वाला है, पर अन्नी को पहले से पता चल गया है ना। नी क्या है सरप्राइज? अम्मा, बुबू और भैया, पापा और भैया और मिली दीदी आएंगे। कल अन्नी को सब लोग अन्नी से मिलने आ रहे हैं, क्योंकि अन्नी अब कहीं और जा रही है। अन्नी यहाँ से हो रही है मूव, हम यहाँ से मूव हो रहे हैं दूसरे स्टेट में। और कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको फिर बताएंगे थोड़ा अगले कभी दूसरे ब्लॉग में। जब हम चले जाएंगे तब आपको बताएंगे अगले ब्लॉग में कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी मैं इसीलिए मैं कई दिनों से मैं अपना कहते हैं जो घर के हमारे जो जितने भी चीज़ें हैं मैं उनको सेल पर लगा रही थी। और अभी अब बहुत सारा सामान बचा हुआ है, अब उसको मैं लगा रखा है। मैंने सारा सामान फ्री में, जिसको भी अगर मेरा ब्लॉग कोई देख रहा हो यहाँ से तस्मानिया से, तो अगर आपको कुछ भी चाहिए, हमारे पास फ्रिज पड़ा है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है अभी, और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। बेड, 3 बेड हैं, सोफे हैं, डाइनिंग टेबल। अन्नी के टॉयज सेल पे नहीं है, अन्नी हमें टॉयज लेके जा रही है। और बहुत, और अन्नी सुंदर लेडी बग तेरा वो कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई यहाँ तस्मानिया से देख रहा हो, लॉन्गचेस्टन से ना, क्या सॉरी अल्बर्स्टोन और डायमंड पोर्ट से,
तो आके ले जा सकता है, फ्री में है सब, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ले जा सकते हैं। मुझे कमेंट कर देना और आप कुछ ले जा सकते हैं जो अभी आपको चाहिए। और कहाँ जा रहे हैं ये आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। और अन्नी को कल मिलने वाला है सरप्राइज़, और सरप्राइज़ क्या है, उसके पापा लोग कल आने वाले हैं। एक डेढ़ महीना हो गया उनको, और डेढ़ महीने से थे बाहर, और डेढ़ महीने से मैं बच्चों का टेक केयर कर रही थी। और मैंने बहुत साफ साफ इसलिए नहीं बताया कि लोग गए हैं तो थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ से भी, इसलिए मैंने कहते हैं बोला नहीं था कि यहाँ कोई नहीं है, इसलिए अभी तक। अब कल वो आ ही रहे हैं, तो कल ये ब्लॉग भी कल आएगा, कल वो आ जाएंगे, तो इसको अब कोई डर नहीं है। इसलिए अब हम मूव होने वाले हैं। अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि इस घर से, और जो हमारी पुरानी वाली कार थी वो हमने सेल कर दिया, कार भी ऑलरेडी, और अब हमारे पास एक ही कार है, इसको भी हम लेके जाएंगे। इसको तो क्या कहते हैं, यहाँ पर शिप, मैंने आपको बताया था डेवनपोर्ट में यहाँ पर शिप है, तो शिप में जाएगी यहाँ से कार मेलबर्न के लिए, और थोड़ा बहुत सामान जाएगा इसमें। बाकी हम लोग कैसे जाते हैं आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा हम कैसे जाते हैं। और मौसम अभी ऐसा हो रहा है। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलता है आपको जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।